दोस्तों, अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की USP है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं।
फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपन्त आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की USP
छुपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने ज़बरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। इवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर, तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय
कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है,
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेज बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी और प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने ज़बरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेज बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर, तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं।
फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की USP
छुपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने ज़बरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। इवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर, तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपन्त आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, मोहित रैना, कीर्ति कुलहारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है।
एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की।
इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर, तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी और प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं।
फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है, और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है।
जाता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने ज़बरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। इवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय
कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रॉटन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है।
तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है,
कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी और प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में, तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं।
फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है, एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेज बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और Google यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है, और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी और प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है, और यही इसी फिल्म की USP
छुपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने ज़बरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। इवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपन्त आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है।
एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुलहारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी और प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर, तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं।
फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेज बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आर्मी ऑफिसर वीहान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी और प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसी सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है।
होता है और यही इसी फिल्म की USP है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने ज़बरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है, फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। इवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन से शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपन्त आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है।
एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने ज़बरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में। तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं। फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 11 जनवरी 2019 में रिलीज की गई एक्शन एंड वार मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों आदित्य धार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 57% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विक्की कौशल है, यामी गौतम है, परेश रावल है, मोहित रैना, कीर्ति कुल्हारी, स्वरूप संपत, आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 25 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने कुल 300 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आर्मी ऑफिसर वियान शेरगिल विक्की कौशल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पार्क आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इसे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है और इस अटैक की पूरी प्लानिंग भी विहान को ही करनी है। इसकी वजह विहान का किसी भी मिशन के लिए की जाने वाली प्लानिंग में मास्टरी ऑफ प्लानिंग पर पकड़ है। यही वजह है कि सेना के टॉप ऑफिसर इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को उन्हें सौंपने का फैसला करते हैं। इसी फिल्म का सेकेंड हाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और एक्शन पर फोकस करता है और यही इसी फिल्म की यूएसपी है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त ढंग से पेश किया गया है कि हॉल में बैठा हर दर्शक क्लाइमेक्स से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कुर्सी से बंधा रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में, तो यकीनन ये देशभक्ति पर बनी फिल्म है। फिल्म के ज़्यादातर संवाद पर हॉल में जमकर तालियां भी बजी थी। विवान के संवाद वे कश्मीर चाहते हैं और हम उनके सर पर, तो पूरा हॉल तालियां गूंज उठता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वॉर के सभी सीन्स शानदार हैं।
फिल्म में गोलियां खूब चलती है तो जंग के मैदान में लात और घूंसे भी खूब चलते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। विक्की कौशल भी इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।